आपके हाथ में भी पैसे तो इनको वीडियो है, हमने तो नहीं मांगा। आप क्या आदमी चाहते हैं बताया बताया इन्होंने कि महिला। प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार और घूसखोरी की जड़ें इस कदर गहरी हो गई हैं कि लोग मुर्दों से भी वसूली करने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर उन्नाव के पोस्टमार्टम विभाग की है। यहां लाशों के पोस्टमार्टम के नाम पर जमकर वसूली का खेल खेला जा रहा है। और तो और वसूली के इस खेल में डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्य अधिकारी तक शामिल है। वहीं जब ये शर्मनाक करतूत ईटीवी के कैमरे में कैद हो गई तो घबराए स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए वसूली के पैसे वापस कर दिए। उन्होंने इन्होंने कहा कि खर्चा उसको दे देना, तो हमने दारू पीने के लिए 100 रुपए दे रहे थे, उन्होंने हमसे कहा कि 460 रुपया 460 रुपया हमने उनको दिया। अब वापस किया है? अब दिया है वापस, आपके सामने कैमरे की नजर में आप पैसे वापस किए। और उन्नाव में लाशों का पोस्टमार्टम करने के नाम पर जमकर हो रही अवैध वसूली। पोस्टमार्टम कराने आए लोग पीड़ित परिवार से न सिर्फ यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी वसूली कर रहे हैं बल्कि उनके रेट भी निर्धारित कर रखे हैं। 1 लाख के पोस्टमार्टम करने पर 400 से 500 रुपए की वसूली की जाती है। वहीं जब ईटीपी के कैमरे में ये वसूली का पूरा खेल सामने आया तो घबराए वार्ड बॉय ने पीड़ित परिवार से पैसा वापस कर दिया। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बगल में ही जिला अस्पताल है और अधिकारियों की सरपरस्ती में आखिर किस तरह ये लोग वसूली का खेल खेल रहे हैं। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ईटीवी भारत।